अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं वही स्टूडियो। अभी एक दो दिन पहले फैसलाबाद के नज़दीक जड़ावाला में एक ऐसा काम हुआ कि चंद एक सरपसंद लोगों ने गुणवत्ता की बेहरमती करने की कोशिश की, जो मीडिया में बहुत वायरल हुआ। मीडिया में लोगों ने ब्लॉग इस पर बनाए, लोगों ने बात की, लेकिन इस इंसिडेंट के पीछे असल वजह क्या है इस पर किसी ने बात नहीं की। तो अगर फैक्ट देखा जाए तो पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जड़ावाला में जहाँ पे ये वाक़या हुआ वहाँ पे 97% मुसलमान लोग हैं और 3% ईसाई, क्लियर है 3%। और इसी तरह अगर पूरे पाकिस्तान का जायज़ा लिया जाए तो पाकिस्तान में सिर्फ 1% ईसाई तबका है, बाकी पाकिस्तानी है। और पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों को सिर्फ उस 1% से ही तकलीफ हुई है, उस 1% से खतरा हुआ है, 1% से उन्हें लगता है कि वो 1% इन्हें मार डालेगा, इनके मज़हब को ख़त्म कर देगा। तो जनाब अगर हम 99% मुसलमान होने के बावजूद 1% से डरते हैं तो हम कहाँ के मुसलमान। तो आप बात करते हैं कुरान पाक के बारे में, उसने जो भी किया कि कुरान पाक की बेहरमती की, लोगों बकौल लोगों के कुरान पाक की बेहरमती की, मीडिया में भी आया, वहाँ पे जो असिस्टेंट कमिश्नर थे वो ईसाई तबके से उनका तल्लुक था, तो लोगों ने उन पे भी हमला किए, उनके घर को जलाया, जलाओ गिराओ किया, उन पे हमला किया। तो उस पर रियासत का क्या काम है कि रियासत ने उस असिस्टेंट कमिश्नर को वो उस ज़िले से ही आउट कर दिया, उनका ट्रांसफ़र कर दिया कि दूसरे ज़िले में चल गए, वहाँ पे जाकर अपनी ड्यूटी करें। और जो जिन लोगों ने ये काम किया उन पे FIR हुई है, और FIR हुई है जो उन पे एक्ट लगा है वो है 995B और 995C। इसके एक्ट उन पे लगा है कि उन पे FIR हुई है, नामालूम लोगों पे FIR हुई है, उनमें से नाम भी नामजद तो कोई भी नहीं हुआ, ना ही किसी को पता चला कि वो हरकत इन्होंने की। और यह वाक़या होता है सुबह फजर की अज़ान के बाद, फजर की अज़ान के बाद एक बंदा, कुछ मौलवी मौलाना हजरत साहब, कुछ लोग सरपसंद लोग, वो ये कहते हैं आके कि मुसलमानों जागो, जल्दी से इकट्ठे हो जाओ, एक कुछ ईसाई लोग तुम्हारे कुरान पाक की बेहरमती कर रहे हैं, आओ उनको मारो। उन्हें मारना आसान था क्योंकि वो पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान में रहते थे, इसलिए मारना आसान था। जब स्वीडन फ्रांस या इस तरह के किसी और मुल्क में इस तरह की कोई हरकत होती है, जब इसराइल ने फलस्तीन में घुसकर मस्जिद में घुसकर मस्जिद अक्सा में ये सारी हरकतें की थी, तब मुसलमान खासतौर पर पाकिस्तानी मुसलमान कहाँ पे थे, कोई एहतजाज हुआ। जब भी हम मुसलमान ये कहें कि हम जान दीन के लिए हम जान देने को तैयार हैं, तब भी तब हमने जान नहीं दी, बल्कि हमने लोगों की जान दी, लोगों को मारा। तो ऐसे इफेक्ट पाकिस्तान में मुश्तरका है, पाकिस्तान और इंडिया, यहाँ पर मज़हब के नाम पे किसी को भी लड़वा दो, कहीं पर भी लड़वा दो, सियासत मज़हब यही लड़ाई है हमारे पाकिस्तान और इंडिया में, ख़ास तौर पर बरसवीर। कोई भी बंदा इस तहकीक पे नहीं जाता कि कुरान पाक में ही अल्लाह ताला का अल्लाह ताला अरशार फरमा रहे हैं, तो कुरान पाक की जिम्मेदारी, ये हमने नाजुल की किताब, तो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। जब अल्लाह ताला उसकी हिफाजत कर रहे हैं तो आप और मैं कौन होते हैं इस तरह की बात करने वाले। अभी मेरे इस ब्लॉग के बाद बहुत से मुझ पर नुकताचीनियाँ भी होगी, मुझ पर बातें भी होगी, लोग जो मेरे इस ब्लॉग को देखेंगे वो ये भी बोलेंगे कि ये बंदा इस्लाम से फारग हो चुका है। यार इस्लाम हमें ये दर्द नहीं देता कि हम किसी के भी घर में घुसें, उसी का घर जला दें, उसकी इमारतें जला, उसके बच्चों को मारें, उसके बुज़ुर्गों को मारें, उसे मारें, ये हमें इस्लाम दर्द नहीं देता। अगर इस्लाम की बात करें तो इस्लाम तो बहुत अमन पसंद दीन है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। पहली बात उन्होंने किया गलत, ऐसा उन्हें करना चाहिए नहीं था, क्यों? ऐसा करने से हम मुसलमानों को दिली तौर पर तकलीफ़ होती है, जब दिल में तकलीफ़ होती है तब गुस्सा भी आता है, तो गुस्से में किया हुआ हर काम गलत भी होता है, ये भी इस्लामी बताता है हमें कि गुस्से में किया गया हर काम गलत होता है। 1% को मारने के लिए 99% लोग इकट्ठे होते हैं, मारते मारा भी जाता है। और असल होती वजह क्या होती है सर? ज़ातियात होती है, कोई अपना गुस्सा होता है, उस गुस्से की बिना पर उस बंदे ने अगर कोई हरकत कर दी तो हमने उसी गुस्से को रिएक्ट करते हुए क्या किया,
उसके घर को घेर लिया, उसके बाद गांव को घेर लिया, उन्हें तोड़ा, उन्हें जलाया। अगर हम कुरान पाक की बात करें, कुरान पाक चार आसमानी किताबें जिनमें से सबसे सबसे अफजल हम मुसलमानों की किताब कुरान पाक है, लेकिन बाइबल भी तो वही पे आसमानी किताब है जी, तौरात, अंजील और ज़बूर, ये तीन है ना, और ऐसा ही बाइबल कहते हैं। ठीक है, ये चारों आसमानी किताबें हैं, चारों अफजल किताबें। जब हम चर्च पे चढ़े, हमारे को जब मुसलमान चर्च पे चढ़े, चर्च को तोड़ा, उसके स्लीप को तोड़ते हुए वीडियो फुटेज में लोगों को नज़र भी आया, लोगों ने देखा है कि किस तरह वो चर्च को तोड़ रहे हैं, लोगों के घरों को तोड़ रहे हैं, उनकी गाड़ियों को तोड़ा है, उनके बच्चों पर हमला किया, उनके बुजुर्गों पर हमला किया, उनके हत्या के उनके औरतों पर भी हमले किए, उन्हें मारा, ये तमाम मीडिया में आपको नज़र आ जाएगा। तो क्या उस वक्त हमने ये सोचा कि उस चर्च के अंदर बाइबल है जिसे हमने गिराया और तोड़ा और जलाया? ये जलाओ गिराओ तो चलता रहेगा। रियासत के काम क्या काम है? अकलियत को भी वही अहमियत दे जो बाकियों को है, क्योंकि कैद आजम अहमद अली जिन्ना ने फरमाया था कि ये पाकिस्तान है, ये आज़ाद मुल्क है, आप सब आज़ाद हो, यहाँ पे हर अकलियत अपनी मर्ज़ी से अपनी इबादत गाहों में इबादत कर सकती है। लेकिन वो क्या रहा, सब इसके उल्ट, ना ही हमने कैद आजम को छोड़ा और ना ही हम इन लोगों को छोड़ेंगे, ये हमारा अलमिया बन गया। और वही कुरान पाक हमें यह भी दर्श देता है कि उन्हें मारो जो तुम्हारे मुकाबले में मद्दे मुकाबले जंग में आए, और जो तुमसे सुलह करना चाहें उनसे सुलह कर लो। और हालत जंग में भी ये बताया गया है कि तुम उनकी मवेशियों, उनकी फसलों, उनके घरों घरों बुजुर्गों औरतों बच्चों पर हमला नहीं करोगे। लेकिन हम लोग क्या करते, सबको मारना शुरू कर देते। जब हम सबको मारेंगे तो हम हुए जालिम। तो जालिम इस्लाम में, जुल्म करना इस्लाम में नहीं है, जुल्म के ख़िलाफ़ बात करना इस्लाम में है। ऐसी बातें अगर आप करते हो ना कि हमारे कुरान पाक की बेहरमती की, तो आपके कुरान पाक कहाँ से हुआ? कुरान पाक अल्लाह की तरफ से भेजी हुई किताब है, और अल्लाह ताला ने खुद उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, आप कौन होते हो? अगर आप इतना है कि आप अपने कुरान पाक के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो, तो आप स्वीडन क्यों नहीं गए? आप फ्रांस क्यों नहीं गए? आप रूस क्यों नहीं गए? वहाँ ऐसे मुल्क में जाओ ना जहाँ पर रोज हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनते हैं, उनकी बेहरमती होती है, कुरान पाक की बेहरमती होती है, वहाँ पर जाओ मारो उन्हें, नहीं जरूरत बनती। क्यों जरूरत बनती? वहाँ पर वो अक्सरियत में है, यहाँ पर हम अक्सरियत में, इसलिए हम अक्सरियत में होने के बाद क्या करते हैं, जो कम होते हैं उन्हें मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जरूरत ही नहीं बनती कि वहाँ पर जाके उन्हें मारा जाए। तो ऐसी बातें बहुत सी हैं, बहुत सी बातें निकलती हैं, तो इन्हीं पे अमल भी होना चाहिए, लेकिन अमल नहीं होता। और रियासत ने क्या किया, नाम लोग सरपंदों पर एफ आई आर तो दे दी जिन्होंने कुरान पाक की बेहरमती करने की कोशिश की, वल्लाह आलम की कि नहीं की, लेकिन उन पर एफ आई आर तो होगी। लेकिन क्या उन पर भी एफ आई आर होगी जिन्होंने ये तमाम काम किए, जिन्होंने उनके घरों को जलाया, तोड़ा, उनकी गाड़ियों को तोड़ा, जलाया, उनकी इबादत गाहों को तोड़ा जलाया, क्या उन पर भी एफ आई आर हुई? यह रियासत का काम था, अवाम का काम नहीं था कि वहाँ पर जाते और उनके घरों को जलाते, तोड़ते, फोड़ते, वहाँ पर गुंडागर्दियाँ करते, ये रियासत का काम था। रियासत करती, एक्शन प्लान बनाती, उस एक्शन प्लान के तहत काम करती, लेकिन रियासत को तो फुर्सत ही नहीं है। अभी कल की बात है, जब तक को 18 माह हुकूमत करने के बाद हुकूमत करते रहे, कुछ नहीं बोले स्वीडन के खिलाफ, और कल बयान जारी कर दिया किसके खिलाफ, पाकिस्तान में होने वाली इसी वाक्य पे, किसने, मियां शहबाज शरीफ साहब ने, तो वहाँ पे क्यों नहीं बोले? क्या स्वीडन में ऐसा नहीं हुआ, क्या जहाँ पे ड्रोन हमले नहीं होते? हम बात करते हैं फलस्तीन की, हम बात करते हैं फलस्तीन के हकूक की, फलस्तीन में मुसलमान है, हम बात करते हैं शाम की, हम बात करते हैं चिचनिया की, हम बात करते हैं कश्मीर की, क्योंकि वहाँ पर मुसलमान है, उनके हकूक़ की बात करते हैं। तो जो पाकिस्तान में अकलियत है, तो उसके हकूक़ पे की बात कौन करेगा, उनके बारे में कौन बोलेगा? और मज़े की बात, बाकी मुल्कों की बात तो हम कर लेते हैं कि उनके हकूक़ की पामाली होती है, जो हमारे अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ इलाके में फाटा है, बाराचना है, खार है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलोचिस्तान हत्या के पूरा वहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है, जो कुछ हमारी रियासत कर रही है, क्या वो सही है? अगर ये चीज़ें सारी सोची जाएँ तो ये तमाम प्रॉपरगंडा है। मैं इसे प्रॉपरगंडा कहूँगा, मैं ऐसे कोई भी अक्लमंदी वाली बात नहीं कहूँगा, ये प्रॉपरगंडा है और इस तरह चलता रहेगा। हाँ, अगर किसी बंदे ने कुरान पाक के
बेरहम टिकर ने कोशिश की उसे पकड़ो, उसे रियासत के काबिल पकड़ना, निशानदेही करना, आपके काबिल निशानदेही करो, रियासत के काबिल पकड़ना, पकड़ के उस पर FIR हो और उसे कानूनी तौर पर जो उसकी सजा बनती वो दी जाए, चाहे सर कलम हो की सजा हो, चाहे उम्र कैद हो, जो जो भी सजा रियासत के तहत कानून के तहत हो वो उसे मिलनी चाहिए। ना कि आपका काम है कि जाओ उनके घरों को तोड़ो, उनके बादगाहों को तोड़ो, उनके बुजुर्गों पे हमले करो, उनके औरतों पे हमले करो, उनके बच्चों पे हमले करो, ये आपका हक नहीं है। ये रियासत का काम है FIR देना, रियासत का काम है आपको इंसाफ दिलाना। और रियासत ये पाकिस्तान दोनों दरियों पे कायम हुआ था, तो कायम होते ही यहाँ पे पहला जो स्पीच दी थी कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने वो यही दी थी, यहाँ पे हर अकलियत भी आज़ाद है, वो अपनी आज़ादी से अपनी बातें कर सकती है, यहाँ पे रह सकती है। फिर मुसलमानों को नहीं कहा था, हम मुसलमान 1% के लिए 1% इतना डर जाते हैं और बातें करते हैं कि भाई हमारे दीन को खतरा हो गया, किससे? 1% से। क्या वो इंसान नहीं? कुरान पाक कहता है किसी ने हक को मारना पूरी इंसानियत को मारने के बराबर है। तो हमने क्या किया? क्यों मारा उन्हें? हमारा हक बनता था उन्हें मारना? अगर हम कुरान पाक की बेहरमती की बात करते हैं तो कुरान पाक में जो जो चीज़ें हमें बताई गई हैं उस पर अमल क्यों नहीं करते? हमें अमल करना चाहिए ताकि हम दीन के मुताबिक चलें और जो राइट है सबका वो दिया जाए। क्या ये बातें हजूर के दौर में नहीं थी? क्या ये बातें सहाबा के दौर में नहीं थी? क्या आपके ही दौर में ये सब तमाम चीज़ें आई? क्या बात कर, बड़े अफसोस का कहना पड़ रहा है कि हम बाहैसी मुसलमान सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, हमें करदार नहीं है मुसलमानों वाला, ना इसमें कोई ऐसी बात है हमें मुसलमानों वाली। बात सुनी, देखा ही नहीं, तहकीक की नहीं, भाग पड़ रहे पीछे। अगर उन बंदों ने किया, जिस बंदे ने उन्हें देखा ये करते हुए, उस बंदे ने फौरी तौर पर रियासत को क्यों नहीं इतला दी, अदारों को क्यों नहीं इतला दी, पुलिस को क्यों नहीं इतला दी? कुछ भी नहीं हुआ। वो बंदे पता नहीं कहाँ पे, कुछ पता नहीं, कोई सी मीडिया पे किसी चैनल पे उनके बारे में कोई बात नहीं हुई कि वो कहाँ गए बच्चे, वो लड़के कहाँ पे गए जिन्होंने ये हरकतें की। माना की है उन्होंने हरकत, मैं मानता हूँ कि उन्होंने हरकत की होगी, आप लोगों ने राइट पे बात की है कि उन्होंने हरकत की है, मान लेता हूँ कर की है हरकत। तो अगर उन्होंने हरकत कर भी ली तो आपका काम था उन्हें पकड़ना, पकड़ के अदारों के सामने पेश करना, पुलिस को बुलाना, उसके हवाले करना, ना कि उनके घरों में घुस के उनके बादगाहों को, उनके घरों को तोड़ना, उनके बादगाहों को तोड़ना, उनकी मुकद्दस किताब की बेहरमानी करना। तो आप में और उनमें क्या फ़र्क रहा? उन्होंने अगर हमारी मुकद्दस किताब की बेहरमती की तो हमने भी उनकी मुकद्दस किताब की बेहरमती की है, हमने उनके बादगाहों को भी जलाया, तोड़ा है, नुकसान दिया किया उनका। तो क्या मिला? अपने ही रियासत का, अपने ही मुल्क का नुकसान किया हमने। जब भी किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में कुछ होता है तो क्या होता है? अपने ही मुल्क का नुकसान किया जाता है। क्यों? अगर हिम्मत है तो वहाँ पे जाओ, उनके साथ जंग करो, उनके साथ लड़ो, जहाद करो, मज़ा तब आएगा। जब आप अपने पाकिस्तानियों को मारोगे, अपने ही मुल्क में मारोगे, तो कोई भी आपका साथ नहीं देगा। इसीलिए तो पाकिस्तान में इंटरनेशनल लोग, मीडिया यही कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है। और दहशतगर्दी जब वो कहते हैं तो हम क्या करते हैं? हम फाटा जैसे पिछड़े जो बिछड़े इलाके हैं हमसे, हम उनकी आवाम को सामने करके उन्हें मारना शुरू कर देते हैं, जहाँ अकलीत को मारना शुरू कर देते हैं। क्यों? बस इस बात पे तो बहुत सी बातें हो सकती हैं। बात सिंपल सीधी सी है कि हम मुसलमानों को अकल, हौसला और तालीम की कमी है हम मुसलमानों में। अगर हमें अकल हो, हमें इलम हो और हौसला हो तो हर बात बैठ के भी हल हो सकती है, हर मामले पर बात हो सकती है, लेकिन बात करने वाला कोई नहीं। जैसे देखो वो यही कहता कि मैं राइट पे हूँ, तू गलत है। जब हर बंदा राइट पे होगा, दूसरा बंदा गलत होगा, तो यकीन मानिए ना मुआशरा चल सकता है, ना कोई अदारा चल सकता है, और ना ही कोई मुल्क चल सकता है। दीन मुहम्मदी को सीखें और दीन मुहम्मदी पे अमल करने की कोशिश करें। दुआ है मेरी